डीटीएस एंड टीवी इंफो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में एक फ्लिप्स का टीवी है, पुराना टीवी है। इसका किट मिस्टेक हो गया था, इसको ये दो तीन महीनों के अंदर एक बार प्रॉब्लम में आ जाता है। वह सप्लाई की बहुत सारी समस्या है, तो इसके अंदर नया किट इंस्टॉल करेंगे। इसके अंदर देखो ये क्लियर पिक्चर, फुल सारा साउंड और सील लॉक, गेम और ऑटो पावर सेवर, इसके अंदर ये सुविधा है। एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या आया है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी की रिमोट और इसकी वायरिंग है, इसी के साथ में ये पूरा किट है। ये पूरा किट है, एक बार इसको ओपन कर लेते हो। अगर पहली बार आप YouTube चैनल देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस किट का लगाने का पूरा प्रोसीजर आपको पूरा कैसे लगाया जाता है उसको सब बता दूंगा। ये पूरा का पूरा नया सेट है, एकदम न्यू पीसीबी है। इसी के साथ में सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे सीआरटी, ये लास्ट एनोड को लगाएंगे और इसके साथ में सीआरटी बेच को भी। ये आपको यहाँ पे लगा देना है, इजीली लग जाता है। इसी के साथ में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। पहले सीआरटी बेच, अगर छोटी गन है तो उसका चेंज करना पड़ता है। ये बड़ी गन है और ये भी बड़ी है, तो इसको कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसको ग्राउंड पहले करेंगे, क्योंकि सेट को जब भी नया किट डालो तो ग्राउंड का सबसे पहले ग्राउंड ही होगा, आपको ग्राउंड करना अनिवार्य है। अच्छे से ग्राउंड करना है, उसमें ग्राउंड के अंदर लापरवाही नहीं बरतनी है। ये आपको वापिस दिखा देता हूँ। ये आपको सीआरटी बेस को आपको हल्के से पहले सेफ कर लेता हूँ। आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दिया जाएगा, ताकि आपको घर पे भी आप आसानी से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ईजी है। इसलिए कोई बड़ा काम नहीं है ये। ये आपका लग गया है। इसी के साथ में इसकी वायरिंग खोलेंगे। इसकी वायरिंग है ये, ये पूरा की का है फंक्शन। तो पहले हम इस वायरिंग को खोलेंगे। वायरिंग के अंदर सब पूरा का पूरा सेट आएगा। वायरिंग को खोल देना है आपको। इसी के साथ में ये ओरिजिनल के कनेक्शन है, कैसे करना है आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके योक के कनेक्शन कर लेने हैं आपको। योक के अंदर सबसे पहले ये रेड कलर लगाएंगे, यहाँ पे रेड कलर है, इस पर का ध्यान रखें आप। योक के कनेक्शन है ये ओरिजिनल विभाग के। इसी के साथ में ब्लू वायर भी आपको यहाँ लगाना है, ये ब्लू वायर वापस। ये दो वायर है वर्टिकल के, ये वर्टिकल की सप्लाई है।
इस सप्लाई को आप कैसे पहले घुमा दे ताकि एक गड़बड़ हो गया। एक यहाँ लगा दे और वापिस एक ग्रीन कलर है वो यहाँ से लगा दे। अच्छे से लगाना है, लूज नहीं हुए और बाहर नहीं निकले, इस बात का ध्यान रखे। इसको खोल कर मैं यहाँ से नीचे ले लेता हूँ ताकि हमारा काम कंप्लीट हो जाए। ये हमारे योक के कनेक्शन हो गए। इसी के साथ में ये कनेक्शन जो आए हैं जो अभी किए हैं इसको आप यहाँ इंस्टॉल करोगे। ये बार आपको यहाँ लगा देना है, यहाँ पे कैप है, देखिए यहाँ से ये स्लॉट है आपको दिखाई दे रहा है ये स्लॉट। तो एक दो और तीन, पहले मैं यहाँ पे नाम लिखा हुआ है वर्टिकल और ओरिजेंटल, कहीं पीसीबी के अंदर नाम नहीं लिखा होता, कहीं में आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होए। और रेड वायर है ना, ये इसका राष्ट्र को की चौड़ाई कम करने या ज्यादा करने के लिए ये पोल अलग अलग लगे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं सेंटर में सेम लगा दूंगा ताकि मैं उसका वहां से भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये वायर इसका बहुत लूज है इसके लिए मैं यही लगाऊंगा। इस वायर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसको यहाँ लगा देता हूँ ताकि फिटिंग के अंदर सही आए। ये हो गया, अब इसको सप्लाई देना आपको। अगर ओरिजिनल के कनेक्शन करने हैं तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए। अगर आपको पर्दा जो आगे राष्ट्र है वो अगर छोटा और बड़ा करना है तो यहाँ पे छोटा और बड़ा होगा, इस साइड में बड़ा होगा और इस साइड के जो पीछे की साइड है वो छोटा ये कम होगा। इस बात का ध्यान रखें आप अलग है, ये पिन यहाँ लगाओगे तो राष्ट्र ज्यादा बड़ा होगा, इससे कम लगाओ तो थोड़ा कम, ये उसकी मैपिंग है वो अलग अलग करने के लिए। इसमें ये IR का है, यहाँ पे ये स्लॉट बना हुआ है, यहाँ लगा देना है। इसके साथ में ये हो गया और ये है की का जो ये स्विचिंग का करेंगे उसका, ये इसके साथ में पावर सप्लाई का लगाना पड़ेगा। तो सेम टू सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ लगाना है आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे PTC है जो कोयल इसको लोगेजिंग कोयल के लिए, थोड़ा टाइट आएगा ये। अब हमारा सेट एक बार रेडी है, एक बार इसको सप्लाई देख के चालू करता हूँ ताकि हमारे सेट की क्या कंडीशन है क्या नहीं है। यहाँ पे लाइट दिखेगी आपको, लाइट आ गई है, सेट हमारा चालू हो गया है, आगे पूरा का पूरा सेट कम्प्लीट है। अब इसका नॉर्मल काम रहा है, पीछे आपको और दिखा देता हूँ, एक बार सप्लाई बंद कर देता हूँ। इसी के साथ में है स्पीकर का वायर, ये वायर इसकी जो डोगेजिंग कोयल है ये यहाँ लगी हुई है, इसी के साथ में ये इसका ही है तो सेम ही है, इसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे स्पीकर का वायर है, तो स्पीकर का वायर है वो स्पीकर के अंदर लगा दूंगा मैं। ये निकल जाएगा ऐसे,
जैसे आपको निकल के वापिस यहाँ पे चिपका देना है। ये हमारा चिपक गया, इसके अंदर सप्लाई देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये यहाँ का काम कंप्लीट है। ये हमारे टीवी सेट तो चालू हो गया। अब इसकी सेटिंग की पूरी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। अगर यहाँ से इसकी लाइट कम या ज़्यादा करनी हो, मान लो ये पिक्चर सही से नहीं दिख रही हो, फोकसिंग सही से नहीं है, तो आपको इसको चेंजिंग करना है। इसको घुमाओगे ना तो आपकी ये जो लिखे हुए इस कॉल है वो सही से दिखेगी, आपको पूरा पिक्चर के अंदर धुंधलापन पूरा हट जाएगा। हाँ, अगर आपको लाइट कम है इसके अंदर, के लाइट मान लो कालापन ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा है तो कम कर सकते हो, और कम है तो इसको ज़्यादा कर सकते हो। ये दोनों सेटिंग है, इसको कालापन कम करने के लिए, इसको पिक्चर को क्लियर करने के लिए, ये दो सेटिंग जरूर देखना है आपको। ये फोकस है, ये स्क्रीन वोल्टेज है, ये दोनों को कंप्लीट आप देखना पड़ेगा। इसी के साथ में अगर चालू करने के बाद में आपको पिक्चर उल्टी दिखाई दे तो आपको एक वायर और ये दो आपस में चेंज कर लेना है आपको। ये वर्टिकल के वायर हैं, वर्टिकल के दो कनेक्शन हैं, इसको आपस में चेंज करोगे तो आपकी पिक्चर उल्टी हो जाएगी। अगर आपको पिक्चर के उल्टी दिखाई दे रही हो अगर रास्टर पे, तो आप चेंजिंग कर सकते हो। साथ ही आप इतने टाइम हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका दूसरा पार्ट वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा।